एवरीवन, मैं बताऊंगा आज वीडियो में कि जो हम पंखड़ी वाला जो झीना बनता है, आपने देखा होगा जो बीम में बीम जाता है हमारा, उसके ऊपर पंखड़ी बनती है इस तरीके से, जो प्लेट बनता है जो उसके सिड्डी बन के जाती है, इस तरीके का हमने हम झीना बना रहे हैं। तो हमने वो कच्चा किस तरीके से बनता है, तो पहले मैं बताऊँगा इस वीडियो में सिर्फ कि हम जो कच्चा करके झीना बताएंगे कि किस तरीके से कच्चा झीना का काम करा जाता है। तो आज इस वीडियो में पूरी डिटेल में बताऊँगा मैं कि कच्चा झीना किस तरीके से करते हैं, और कच्चा झीना बना के मैं आपको दिखाऊंगा। वीडियो शुरू से लास्ट तक देखें, आपको वीडियो में फुल मेहनत करता हूं, और मेहनत के लिए मुझे कम से कम एक लाइक करना और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। इसी लास्ट वीडियो बिल्डिंग के बारे में लाते रहते हैं, तो मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कच्चा जो झीना बनाते हैं हम, पहले वो कच्चा किस तरीके से बनता है और किस तरीके से उसमें हमारा काम आगे चल के होगा। तो इसमें पूरी डिटेल मिलेगी आपको कि कच्चा झीना किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। अब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ वीडियो के अंदर, आ जा। तो आपको विशेष ध्यान देना है कि जब आपको कच्ची सिड्डी चढ़ा के ले जा रहे हैं तो लेवल का विशेष आप वो बिल्कुल एक्यूरेट ध्यान देना है कि बगैर लेवल आपका कच्चा झीना नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें अगर तुम्हारा आधी इंची से अब थोड़ा सा ही अंतर आ गया एक सिड्डी में, तो बाकी पूरा ऊपर तक का झीना पूरा ख़राब हो जाएगा। तो इसे विशेष ध्यान देना आपको, लेवल का विशेष ध्यान है, हर सिड्डी पर आपको लेवल करनी होगी। देख रहे हैं ये जो हमारा कच्चा झीना बनता है, ये हमारा जो देख रहे हैं आप, ये प्लेट वाला चांदा है, इसमें जो चांदा जो प्लेन रहेगा और इसमें नीचे जो चांदा रहेगा उसके नीचे बीम रहेगा। बीम की हमारी करीब मोटाई बताता हूँ आपको, 9x10 इंची का इसमें बीम रहेगा, 9x10 इंची का इसके अंदर बीम रहेगा, उसके बाद प्लेन चांदा रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमारी सिड्डी जाएंगी, आप देख रहे हैं कि इस तरीके से सिड्डी जाएगी, फिर उस तरीके से आएगी, इस तरीके से जाएगी, इस तरीके से खींच करके आएगी, इस तरीके से आएगी। ये एरिया आप देख रहे हैं, ये एरिया जो आप देख रहे हैं, ये हमारा चांदा है, ये चांदा है। तो ये चांदा आप देख रहे हैं, ये चांदा हमारा करीब है, हमारा 3.5x3.5 का ये चांदा है कंप्लीट में, ये प्लेट है, ये फुल चांदा हो जाएगा, 3.5x3.5 का चांदा हो जाएगा। उसके बाद आप देख रहे हैं इसमें इस तरीके से स्टेप बनाए गए इसका, तो ठीक है मैं बता रहा हूँ आप, जैसे हमारी इसमें बीम जाएगा, अब रोक लें, रोक लें। तो इसमें हमारी जो बीम आप देख रहे हैं, इस तरीके से बीम है, इसमें स्टेप बनाए गए कच्चे, आप देख रहे हैं इस तरीके से, तो इस तरीके से आसानी से आप तोड़ सकते हैं, और ये बन के बहुत सुंदर लगता है, और बन के बाद में सुंदर लगेगा, बहुत सुंदर भी। तो आप देख रहे हैं इस पर जो हमारा जो गारा होता है, जो मिट्टी होती है, जो मिट्टी से इस पर लिसाई होती है, इस तरीके से लिसाई होगी मिट्टी से, इस तरीके से मिट्टी से लिसाई होगी, क्यों उसमें ये होता है कि हमारा जो कंक्रीट का जो काम होता है, तो उसमें हमारा वो कंक्रीट इस पर ईंटों पर चिपकती नहीं है, तो आसानी से झीना हमारा खुल जाएगा आराम से। तो झीना हमारा जो फ्रेश निकलेगा नीचे से, आप देखेंगे तो जो मिट्टी का हम काम कराएंगे तो इस तरीके से आपको फिनिशिंग थी बहुत अच्छा निकलेगा। तो वीडियो में मैंने यही बताया था कि इसमें जो पंखड़ी वाला झीना है वो किस तरीके से कच्चा करा जाता है। तो इसमें जो हमारे जो बन चुका है, और इसमें हमारी जो जो हमारी जो लिसाई होगी, इसमें गाला जो मिट्टी जो होती है उससे ईंटें जो लिसी जाएंगी, इसके जो जोंट दिख रहे हैं उसको जोंट कवर करी जाएंगे मिट्टी से, उसको पैक करे जाएंगे, जोंट जो होते हैं पैक करके उसको, उसके बाद उसको कंप्लीट, फिर उसका RCC और पहले सरिया का काम होगा, वो सरिया का काम बताऊँगा मैं अगली वीडियो में, पहले सिर्फ मैं एक कच्चा झीना का काम बता रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं ये चांदा 3.5x3.5 का इसमें चांदा रहेगा, उसके बाद स्टेप उसमें जाएंगे, तो आप जो प्लेन चांदा रहेगा ऊपर, इसमें हमारा जो पूरा प्लेन चांदा हो जाएगा इसमें, तो इस तरीके से इसका जो बीम का जो झीना बनता है, इस तरीके से ये बनता है। आप देख रहे हैं इसमें जो बीम जाएगा, इस तरीके से पहले बीम जाएगा, उसमें अटैच हो जाएगा, तो आप देख रहे हैं इस तरीके से उसमें अटैच होगा क्रॉस में, तो इस तरीके से ये चले जाएगा सीधा, इस तरीके से जाएगा इसमें, तो वो सामने हमारा कॉलम है आप देख रहे होंगे, कॉलम लटक है उसमें फंसेगा जाके, उसमें जो गैपिंग करी जाएगी सरिया फंसाने के लिए, उसमें जुड़ जाएगा इस तरीके से, ये बीम आएगा लंबा वाला हमारा आप देख रहे हैं वहाँ से, तो ये जो बीम जाएगा वो इसमें आसार में दब जाएगा, ये जो बीम नीचे से आएगा वो सामने देख रहे हैं, उस सामने वाले जो दीवार देख रहे हैं उसमें जुड़ के आएगा, तो इस तरीके से ये कच्चा झीना हमारा स्टेप वाला जो पंखड़ी वाला जो झीना बोलते हैं, इस तरीके से आएगा बन के। तो मैं इस वीडियो में यही बता रहा था आपको कि किस तरीके से पक्का जो पंखड़ी वाला झीना कच्चा होता है। तो हमारा जो पंखड़ी वाला जो कच्चा झीना कंप्लीट हो चुका है, इस पर मिट्टी का काम हम कराएंगे।